हाँ जी अधिकृत साहब, तैयार हैं? सर जी तैयार हैं बिल्कुल, संडे ब्रंच के लिए आज हम भी आज संडे ब्रंच के लिए जा रहे हैं बहुत ही फटीक के बाद। ये अभी स्टार्ट किस तरह ट्रेल 3 का बिस्मिल्लाह करेंगे, पता नहीं ट्रेल 5 जैसा या 3 जैसा। ट्रेल 3 आप एक दफ़ा हो के जाएंगे ना सब भूल जाएंगे। चलो देखते हैं, अभी हमने ब्रंच करना है मनाल पे जाके, और ट्रेल 3 से हम 3 बंदे एंटर हुए हैं। प्लान तो शायद 6 का था, तो शायद बाकी अभी तक उठे नहीं है। पथरीला ट्रैक है बहुत ज़्यादा, वैसे पत्थर पे चलना इतना है मुश्किल है नहीं, जितना वो नहीं बड़े पत्थर आते ग्लेशियर्स में वो तो उसमें तो वहाँ पे एक एक नोक लगती है बंदे के पाँव भी, वो साथ साथ होते रहते हैं। अभी तक तो ठीक है, अभी है ना, चढ़ाई भी इतनी आई नहीं है। 200 मीटर कितना किलोमीटर टोटल? 2.5 किलोमीटर है सर। 10 मिनट हो गए और सांस भी चढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड गेन हो रहा है ना। हाँ पता नहीं, वो इस्लामाबाद तो देखें कितना नीचे रह गया है। कहाँ पहुँचे? 5 ट्रेल। चलिए हम अभी फास्ट ट्रैक को ट्राई करने लगे हैं, ट्रेल 3 फास्ट ट्रैक है, बंदा शायद उड़ के पहुंच जाता है उधर से, चेक करते हैं। ये बिल्कुल K2 नमा पहाड़ी आई है सामने, जिसको फास्ट ट्रैक बोलते हैं, यहाँ से जी ऊपर जाना पड़ेगा, थोड़ा हिम्मत लगानी पड़नी है भाई। हाँ चढ़ाई जो है ना K2 से कम नहीं है, फुल टाइम पसीना पसीन और पथरीला रास्ता है। चढ़ना चढ़ना अभी तकरीबन 15 मिनट हुए हैं, तो ब्रेक लिए यहाँ पे, स्टीप ज़्यादा है तो फास्ट ट्रैक है इसकी, स्टीप ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको ख्याल से चढ़ना पड़ेगा अपने साथ कुछ, थोड़ी सी क्लाइमेटाइजेशन भी हो रही है ना। हाँ चॉकलेट्स वगैरह लेके आया करें, लाएँ चॉकलेट साहब? जी कैडबरी के कुरकुरेज। अच्छा सिर्फ इस्लामाबाद से मिलते हैं कैडबरी के कुरकुरेज, और कहीं से नहीं मिलते। पानी है इफ़ यू वांट। अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है, शुगर लेवल बहुत ज़रूरी है। तो आर दे हाँ भाई, फायर लाइन ट्रैक जो है ना आपके अंदर से आग निकाल देगा भाई, फुल टाइम 70 डिग्री स्टीप है। और मुझे लगता है हमने जहाँ से इसको ज्वाइन किया ना उससे आगे वो दूसरे वाला ट्रैक हमें मिलेगा भी नहीं। अब यहाँ पे तकरीबन आई थिंक आधा घंटा होगा हमें, तो आप पूरा इस्लामाबाद यहाँ से देख सकते हैं। ये जो फायर लाइन ट्रैक है, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको फिर कॉन्टिन्यूस इसके ऊपर स्टीप के साथ जाना पड़ता है, तो आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, थोड़ा हिम्मत होनी चाहिए। बिल पार रिकमेंड करें, अगर आपने 11 बजे वाला ब्रंच ज्वाइन करना है तो ये वाला रिकमेंडेड नहीं है। हाँ यहाँ पे फास्ट ट्रैक के बीच में एक और ट्रैक आया, ये नॉर्मल वाला ट्रैक है आई थिंक, तो यहाँ से हम नीचे से आए फास्ट ट्रैक होते हुए इस्लामाबाद नज़र आ रहा है आपको, और आई थिंक ये नॉर्मल वाला ट्रैक हम जो पकड़ लिया जो ट्रेल 5 से मिलता है। टफ ट्रैक है भाई, इतना आसान नहीं है क्योंकि ये स्टीप बहुत ज़्यादा है ना, और पत्थर भी हैं। फाइनली ये फाइव ट्रैक साफ ऊपर आए हैं, तो ये ट्रेल 3 का थोड़ा सा ये रेस्ट एरिया है, यह छोटा सा पेड़ एरिया भी बना हुआ है, और ये थोड़ा चिनअप बार भी है, किसने अपने आप को वार्म अप ज़्यादा करना है, थोड़ा सा मसल पुल करने तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इस पहाड़ी को क्रॉस करना है हमने बस आहिस्ता आहिस्ता, और वहाँ उसके ऊपर अदर साइड मनाल पे पहुँचेंगे हम। फाइनली अभी थोड़ा रेस्ट एरिया तक पहुँचे हैं, यहाँ पे वालेकुम सलाम, तकरीबन 1 घंटा लगा नीचे से, और ये फास्ट ट्रैक से होके आ रहे हैं हम, नहीं ज्वाइन कर रहे थे देखिए सारे उस ट्रैक पे बोल रहे थे, काफ़ी स्टीप है और पथरीला रास्ता है और सांस बहुत चढ़ जाता है, तो यहाँ पे आके थोड़ा रेस्ट करें, माल्टे शाल्टे खाएँ और फिर आगे निकलें। पीछे ये जी फायर ट्रेल, ये आई थिंक माई ट्रिप .pk ने
बहुत जरा मेहनत करके स्पॉन्सर किया भाई, इससे अच्छी लकड़ी तो हम लगा दें, चेक करें भी आप। स्पॉन्सर ही लग रहा है ना। फाइनली ये फायर ट्रेल तक पहुंच चुके हैं, आए थे हम, हमने बेस कैंप बहुत किया लेकिन ये रह गया था हमारा फास्ट ट्रैक ट्रेल 3 वाला, तो ये भी आज हमने कर लिया। ये फास्ट ट्रैक अभी थोड़ा फिनिश हुआ है, नॉर्मल ट्रैक से ना अगर नहीं है तो यहाँ से हम जा रहे हैं। फास्ट ट्रैक बिल्कुल जो नॉर्मल ट्रैक है ना उससे आते मिल जाता है, क्योंकि ठेला भी है यहाँ पे। अब यहाँ से माल्टी वाला ले, पानी ले सकते हैं, माल्टी ले सकते हैं। अपने आपको एनर्जाइज करें फिर आगे निकलें। तो आप साथ में छोटा सा स्पीकर और ये गाने साथ में लेकर जाएँ, वरना बोर हो जाएंगे। ये तो हाइट पे आके भी आपको ना अदर साइड ऑफ इस्लामाबाद नजर आती है। तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं आपको टॉप तक पहुँचने में ट्रेल 3 से। ये ट्रेल 3 का भी ट्रैक जा रहा है, नॉर्मल ट्रैक है, इतना मुश्किल नहीं है अभी तक। तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है हमें ट्रेल 3 पे निकले हुए, मेरे ख्याल से आधा घंटा और लगेगा मनाल तक पहुंचने में। हाँ, ये जो उसका फास्ट ट्रैक था वो टफ था, उसके आगे ठीक है, उसके आगे नॉर्मल जो ना नॉर्मल स्टीप के साथ एक ट्रैक है, आप चढ़ते जाते हैं और ऊपर तक पहुँच जाएंगे। ये भी घना जंगल अब शुरू हो चुका है ऊपर, आप देखें दरख्त साइडों पर, दरख्त आगे पीछे भी दरख्त है। ये सौगात दिखाएँ सब जो यहाँ की हैं। जब भी आपने यहाँ पे आना, तो ये डेकोर के लिए ना, ड्राइंग रूम के लिए, दो क्या कहेंगे इनको भी, कहेंगे फ्लावर्स टाइप है, वुडन फ्लावर भी ऊपर लगे हुए हैं, ऊपर लगे हुए हैं फूल लकड़ी के, तो ये काइंडली ले जाएं और फिर सबको बताएं कि हम ट्रेल 3 भी गए थे। और अभी जूस वाला ढाबा है, रास्ते में आपको एक चीज़ मिल जाती है, पानी वगैरह पी सकते हैं। हाँ, एक और स्टॉप था भी यहाँ पे, पानी शानी आप पी सकते हैं, लोगों ने बनाई हुई है ना अपने ठेले, पानी जूस माल्टे मिल जाते हैं, तो इजीली आप अपने आप को थोड़ा हाइड्रेट करें, फ्रेशअप करें और फिर आगे निकलें थोड़ा रेस्ट करके। तो हाइकिंग का यही एक असूल है कि आप आहिस्ता आहिस्ता जाएँ, स्लो स्लो जाएँ, और इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है, लेकिन यह है कि जिनको आइडिया है हाइकिंग का वो उनके लिए बहुत ईजी है। थ्रू की जंगल है, खरा जंगल ही जंगल है, और इस तरह की छोटी मोटी पगडंडियाँ बन गई। ये बहुत ना खुश सा ट्रैक है, कोई वाटरफॉल पानी नहीं बीच में आता ट्रेल 3 में। ट्रेल 5 में तो थे पानी शानी आता था, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, क्राउड भी इतना नहीं है, लोग भी कम आए हैं, गर्मी गर्मी हो रही है आज, 11th मार्च है, लेकिन गर्मी काफ़ी है। तो वैसे भी देखते हैं, आधा घंटा मेरे से लगेगा हमें और मनाल तक, 800 मीटर तक तकरीबन जो ना 800 मीटर जो भी रहता है। रास्ता जो है नॉर्मली आप कह लें कि स्लिपरी भी है, पत्थर भी स्लिपरी है और स्टीप कभी आ जाती है, कभी मिट्टी आ जाती है, मिला जुला सही रास्ता है। सामने मनाल के रोड में नज़र तो आ गई है, लेकिन अभी ये जंगल के बीचों बीच में जो ना बीचों बीच आ चुके हैं, एक पहाड़ को क्रॉस किया, दूसरा पहाड़ बस आप क्रॉस करेंगे तो हम वहाँ रोड पे पहुँच जाएंगे। अभी आखिरी पहाड़ी चढ़ रहे हैं भैया, वहाँ से देखें सर 13 किलोमीटर। चलो अभी एक और स्टीप आ गई, तो मुश्किल है बस,
बेल्टें कसते हैं, चढ़ गए इसके ऊपर। स्टीव और चेक करें, 90 डिग्री ऑलमोस्ट स्टीव है, लेकिन लेस देन 90। और ये सामने जो है ना आपको इस्लामाबाद नजर आ रहा है, ये लास्ट बस है स्टीव। आराम से भी ध्यान से, ये एक्स्ट्रा है ना, ये सारा उस गांव में निकल रहा है, सिर्फ ये रास्ता जा रहा है बस। कहा था ना, चल देखते हैं। एक टॉप आई तो पता नहीं उसके आगे क्या है, देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन यहाँ से बैठे में अपने पास ये टॉप ही है। आगे जा रहा है अभी मेरे ख्याल से पहाड़ के क्रॉस से वो रोड है। अब यहाँ से आप जो है बेटर क्लियर व्यू देख सकते हैं इस्लामाबाद का, बहुत सारा इस्लामाबाद आ रहा है आपको। फाइनली वो सामने आप कुछ मना लग रहा है। अच्छा, ढाई घंटे की हाइक के बाद हम मना पहुँचेंगे सामने। फाइनली वो पीछे आपको मनाल नजर आ रहा है, ढाई घंटे की टफ हाइक की हाइक के बाद पहुँचे हम। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी है, हवा लेकिन चल रही है, लेकिन मुश्किल हाइक थी एक मॉडरेट लेवल की। तो फाइनली अभी अब मनाल में जाके ब्रंच करते हैं। हवा मुसलसल चलती रहती है इस ट्रैक में ना, तो आपको गर्मी भी थोड़ी लगती है लेकिन आप नॉर्मल रहते हैं, हवा अच्छी चलती है इधर और व्यू बहुत अच्छा है यहाँ पे। ट्रेल 3 में मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। ट्रेल 3 मुझे लगा कि ये ट्रेल 5 से इजी है, टाइम उतना ही लगता है, लेकिन ट्रेल 5 में सुना स्टीप ज़्यादा थी, हाइक ज़्यादा था, यहाँ पर टाइम उतना ही लगा, लेकिन ये अच्छा जंगल के बीच में से होकर ट्रैक आता है। पानी वगैरह नहीं आया कोई चैनल्स, वाटर चैनल्स, वाटरफॉल्स नहीं आए, लेकिन अच्छा अच्छा। जब आप हाइकिंग वगैरह करते रहते ना कंटिन्यूस या एक्सरसाइज वगैरह, तो आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाता है। जी फाइनली हमने कहीं ना कहीं लैंड किया बिल्कुल नियर द रोड, और अभी हम जा रहे हैं मनाल मज़े का ब्रंच करने। अगर आप नॉर्मली हाइकिंग वगैरह करते रहते हैं ना, तो फिर ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये आपको यूज़ टू बना देगा, जो आपकी वो है ना स्टेमिना आपका बन जाएगा, आप 2-2.5 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे यहाँ पे। बाकी ये ट्रैक जो है बना हुआ ट्रैक है, आप इजीली नॉर्मल शूज़ के साथ जॉगर्स के साथ भी चल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मिट्टी है, पत्थर हैं, और आप कह लें कि कई जगहों पे छोटा मोटा कीचड़ भी बारिश के पानी की वजह से आ जाता है, लेकिन अच्छा ट्रैक है। तो मेरे ख्याल से ट्रेल 5 जो मैंने किया था ना, ट्रेल 5 थोड़ा सा टफ था, लेकिन ट्रेल 3 जो है ना ये उससे कंपेरेटिवली आई थिंक 10-20% ईजियर। हाइक है लेकिन स्टीप है, कम है, ट्रेल 5 में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये एग्ज़िट है इसका, ट्रेल 3 का, जो हम मनाल में एंटर हो रहे हैं, बिल्कुल आप कह लें कि मनाल रेस्टोरेंट की पार्किंग के अंदर आपको लैंड करवाएगा ये जो ट्रैक है ट्रेल 3 का। तो भी ये ले जी, हम आ गए जी मनाल, ट्रेल 3 मनाल के अंदर आए हैं जी। तो यहाँ पर जी ब्रंच करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, वापसी हमें ट्रेल से जाना है या गाड़ी पे जाना है। मनाल जी पहुँचे हैं हम अभी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, अभी जाके देखेंगे क्या मेन्यू है, क्या जो है ना
ब्रंच में क्या है, भूख तो बहुत लगी हुई है आज।